helikopter, helikopter. Paracopter, paracopter. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो 11 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सोनी का एक एम्पलीफायर मौजूद है जो कि आज से तकरीबन 20 साल पुराना है। इसका मॉडल नंबर है MHC VX55। अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से ये आज भी ऑपरेशनल हालत में है। इसमें अब सिर्फ दो फॉल्ट्स हैं। पहला फॉल्ट ये कि इसके अंदर ट्वीटर्स ख़राब हो चुके हैं और दूसरा फॉल्ट ये कि इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है और ऑक्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है जो आज के मॉडर्न एम्पलीफायर्स में है। इस साउंड सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मैं इसको 3 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा। आज की वीडियो में इसके ट्वीटर्स को चेंज करूँगा जो कि ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साउंड सिस्टम में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इसको RCA टू ऑक्स वाले केबल के साथ कनेक्ट करके आपको इसका डेमो दूंगा। साउंड सिस्टम में ट्वीटर्स ना होने की वजह से इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसका ट्रेबल है और आवाज़ है वो काफ़ी कम है जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसके ट्वीटर्स को चेंज करने वाला हूँ क्योंकि पुराने वाले ख़राब हो चुके हैं। काफ़ी साल पुराना होने की वजह से इसके अपने ट्वीटर्स मिलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैं इसके एक्सटर्नल वाले लगा रहा हूँ। नए ट्वीटर्स की इंस्टॉलेशन के लिए पहले वाले ट्वीटर्स की कॉइल को और उसके पर्दों को निकालना ज़रूरी है। मैं जो ट्वीटर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मिलेनियम कंपनी के KP102B। आप किसी भी कंपनी के ट्वीटर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अमेरिकन और ऑडियोनिक वगैरह। किसी भी एम्पलीफायर के साथ ट्विटर को डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ सीरीज़ में एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगाते हैं जो कि मैं 4.7 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से दोनों ट्विटर के साथ एक एक कैपेसिटर को लगा दूँगा। ट्विटर्स में पोलैरिटी का कोई इशू नहीं होता तो आप कैपेसिटर को किसी भी साइड पर लगा सकते हैं क्योंकि हमारा कैपेसिटर भी नॉन पोलर है। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ट्विटर स्पीकर के साथ इस तरह लग जाएगा। उससे पहले ट्विटर के साथ वायर्स का कनेक्शन करना ज़रूरी है। ट्विटर की दोनों वायर्स को मैं दो पॉइंट्स के साथ सोल्ड कर दूंगा। इसमें पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरफ कोई भी वायर लगा सकते हैं। दोनों स्पीकर्स में सेम ही प्रोसीजर होगा तो आप सेम तरीके से दूसरे स्पीकर में भी ट्विटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद ट्विटर को ग्लू गन की मदद से स्पीकर के साथ जोड़ देंगे।
स्पीकर्स अब हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। दोनों में मैंने ट्विटर्स को इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको इनकी वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस सुनाऊंगा कि ट्विटर्स के बगैर कैसी है और ट्विटर के साथ क्या इम्प्रूवमेंट आई है। ट्विटर्स को इंस्टॉल करने के बाद साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि आपने सुन ली है। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसको अपग्रेड करना है और इसके अंदर ब्लूटूथ को इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।